अनाज मंडी और सब्जी मंडी आढ़तियों ने मंडी परिषद द्वारा 1 अक्टूबर से सारे भुगतान ऑनलाइन करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान योगी सरकार को जमकर कोसा गया। मंडी समिति के इंस्पेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, जिसमें गल्ला व्यापारी और सब्जी आढ़तियों ने खुली चेतावनी दी है, ऑनलाइन सेवा बंद नहीं की तो अब तो सिर्फ 3 दिवसीय धरना है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी के आढ़ती 1 से 3 अक्टूबर तक हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार देश के किसानों के बारे में जानते हुए भी इस तरह के नियम लागू कर रही है, जो कि आढ़ती और किसान का खुला उत्पीड़न है। ऐसे एसोसिएशन किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। सभी आढ़तियों के पास ना तो स्मार्टफोन और ना ही आढ़ती चलाना जानते हैं, जिससे मंडी में कारोबार प्रभावित होगा। मंडी के आधे से अधिक व्यापारी ऑनलाइन भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। नई नीति के लागू होने से किसानों के माल का भुगतान भी 3 दिन में मंडी द्वारा उनके खाते में ही किया जाएगा। जैसे ही किसान माल के साथ मंडी में प्रवेश करेगा, वैसे ही उसको जिस फर्म पर अपना माल बेचना है उसके नाम से पर्ची बनवानी पड़ेगी। पर्ची बनने के बाद ही मंडी में उस फर्म पर अपना माल बेच सकता है, जबकि अधिकांश किसानों को फर्म के नाम भी नहीं पता। हमारे किसान तो इस लायक है नहीं कि वो ऑनलाइन जाएं और बैंक में पैसे, वो तो लेकर दवाई के पैसे, खाद के पैसे, बीज के पैसे लेकर रोज जाते हैं शहर में खत्म कर दिया। तो किसान मजदूर भी परेशान है, आड़ती तो आड़ती। ये जिला किस बात को लेकर आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं? ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो गवर्नमेंट हम पे थोप रही है, उसके लिए हमारे सारे जिले की मंडियां हड़ताल पर है। अब आपकी क्या मांगे हैं? अब आप जैसे फर्ज कीजिए, आपके यहाँ सब्जी मंडी में कोई 100 रुपये की सब्जी लेके आया, वो बेचारा 100 रुपये की सब्जी बेचता है, 10 रुपये की जलेबी खाता है, 10 रुपये का ये करता है। अब उसका अगर पेमेंट बैंक में जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा? अगली फसल के लिए खाद लेके जाना है। अब मान लो यहाँ हमारी जैसे गल्ला मंडी है, इसमें अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो वहाँ का शहर का व्यापार है वो भी सारा चौपट हो जाएगा। जब एक बार पैसा बैंक में चला जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। इसका जो मेन कारण है, उसका मेन कारण ये है, मोदी जी ने कहा है किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो जब किसानों का पैसा अभी तक तो बैंक में जाता ही नहीं, अगर बैंक में पैसा जाएगा तो मोदी जी सबको ये साबित कर देंगे कि देखो तुम्हारी आय मैंने कितने गुनी कर दी। इसी का हम विरोध करते हैं। और ना आपको लगता है, आपको लगता है किसानों के साथ में या मंडी व्यापारी के साथ में धोखाधड़ी हो रही है? ये धोखाधड़ी है, बिल्कुल सरासर धोखाधड़ी है। ना हमारे पास ऐसे ऑफिस है, ना हमारे पास ऐसे लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना प्रिंटर है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।